हेलो फ्रेंड्स, आज के इस एक्सेल सेशन में आपका स्वागत है। ये वीडियो एक्सेल की बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि इस ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं कोटेशन क्रिएट करना एक्सेल में। बहुत सारे एक्सेल यूजर्स को कोटेशन के बारे में नहीं पता होता, लेकिन अगर आप एक्सेल में कोई जॉब करना चाहते हैं, किसी फाइनेंस कंपनी में जाना चाहते हैं, या फिर कहीं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं जो सेल के साथ डील करती है, तो आपको कोटेशन के बारे में पता होना चाहिए और कोटेशन इनवॉइस एक्सेल में कैसे क्रिएट होता है इसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम कोटेशन के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम कोटेशन एंड बिल में डिफरेंस समझेंगे, क्योंकि मोस्टली यूजर्स को नहीं पता होता। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका लर्नर्स एकेडमी में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कोटेशन और बिल में क्या डिफरेंस है। देखिए, कोटेशन क्या है, अब सपोज कीजिए कि आप किसी शॉप पे जाते हैं और वो शॉप पे जो भी सामान मिलता है वो होलसेल प्राइस पे मिलता है। आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है, आपने कंप्यूटर के पार्ट्स लेने हैं, तो आप उस शॉप पे जाएंगे और उनको बताएंगे कि मुझे इतने इतने पार्ट्स कंप्यूटर के लेने हैं और इनकी क्या प्राइस रहेगी। तो वो आपको कुछ इस तरह की कोटेशन बनाकर दे देते हैं, जिसमें वो अपना GST भी इंक्लूड करते हैं। तो कोटेशन क्या हुई, एक रफ आपको आइडिया मिल जाता है कि अगर आप इस शॉप से ये सारा सामान परचेज करेंगे तो टोटल कितनी अमाउंट का आपको ये सामान पड़ेगा। वहीं अगर मैं बिल की बात करूं, बिल बेसिकली तब जनरेट होता है जब आप कोई सामान खरीद लेते हैं, कहीं से आपकी परचेजिंग हो जाती है, सामान आपके पास आ जाता है और आप क्या करते हैं उसके बदले में पेमेंट करते हैं। तो जो बिल होता है एक फाइनल आउटपुट होती है जो आपको कोई भी शॉप, कोई भी कंपनी प्रोवाइड करेगी जब आप उनसे कोई भी आइटम्स को परचेज करेंगे। लेकिन कोटेशन एक रफ ड्राफ्ट होता है जिससे आपको आइडिया लग जाता है कि अगर आप उस पर्टिकुलर कंपनी या फिर उस शॉप से कुछ भी परचेज करने वाले हैं तो आपका टोटल कितना बिल आने वाला है। तो कोटेशन देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने वहां से परचेजिंग करनी है या नहीं करनी। तो यहां पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मेरे पास मैंने कोटेशन जनरेट की है। कोई हमारे पास शॉप है और ये सारा सामान है कंप्यूटर का, अगर आप इतनी क्वांटिटी में इस रेट पे परचेज करेंगे तो टोटल आपको इतनी अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ेगी। अगर मैं इसका प्रीव्यू दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आपका विजिबल होता है कोटेशन। तो इस कोटेशन को कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्या फॉर्मूला लगेगा, तो ये आज की वीडियो में सीखते हैं। उसके लिए हम चलते हैं एक नई शीट पे। तो शीट में मैंने सबसे पहले अपनी डिटेल रख ली है, हमें चाहिए सीरियल नंबर, पर्टिकुलर या फिर आइटम, आपने क्या परचेस करनी है, किस रेट पर आपको मिलने वाली है वो आइटम, कितनी क्वान्टिटी में आपने लेनी है, टोटल अमाउंट क्या रहेगी। अब इसके बाद आपने सबसे पहले इन दोनों सेल्स को कर लेना है मर्ज, और यहाँ पे आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है। देखिए, कंपनी का नाम लिखने लेने के बाद आपको जनरल सेटिंग्स करेंगे, तो इसको बोल्ड करेंगे और इसमें एक कलर जो है वो आप दे देंगे। चलिए, सबसे पहला काम आपका हो गया है कंपनी लिख लेने के बाद। उसके बाद आपने नेक्स्ट सेल में लिखना है कोटेशन इनवॉइस, इसको भी आप मर्ज एंड सेंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप इसका कलर देंगे और अपना टेक्स्ट जो है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इतना कर लेने के बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा एड्रेस, जो कंपनी का एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे देंगे, इसको भी आप मर्ज एंड सेंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पे एड्रेस लिख लेती हूँ और इसको भी आप एक कलर जो है वो दे दें। चलिए, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह से। अब नीचे आपकी सारी डिटेल आ गई है, जितने आपको सेल्स की रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और बॉर्डर दे देंगे। और अभी मैं इसका जो
इन सेल्स का जो साइज़ है वो बढ़ा देती हूँ। ये तो है डिटेल। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो एंटर कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले होगा माउस, कितने रेट का है। सपोज़ 200 रुपीज़ का आपको माउस पड़ेगा। कितनी क्वांटिटी आपको लेनी है, मुझे 100 लेनी है। तो जब मैं यहाँ पे आऊँगी, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊँगी रेट इनटू क्वांटिटी, तो ये अमाउंट हो गई माउस के लिए। सिमिलरली सेकंड हम फिल करेंगे यहाँ पे अभी कीबोर्ड, का रेट ले लेते हैं 250, और ये हमें चाहिए 150 पीसेस। और यहाँ पे ये फॉर्मूला आप नीचे तक ले जाइए ताकि जब भी आप वैल्यू फिल करें तो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट हो। थर्ड पे ले लेते हैं मॉनिटर। तो इस तरह से आपने सारी एंट्रीज जो हैं वो कर लेनी है। तो एंट्रीज हो चुकी हैं, यहाँ से इतना पार्ट अभी मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि अभी मुझे और चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन सबको आप सिलेक्ट करेंगे और इसको हम कर लेते हैं सेंटर में। तो इतना कर लेने के बाद अगर आप इनका फॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, फॉन्ट साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। इसको आप कलर देना चाहते हैं तो इसको आप कलर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक लाइट शेड हम दे देते हैं। चलिए इतना पार्ट हो गया हमारा डन। अब जब भी कोटेशन बनती है हमें एक टोटल अमाउंट चाहिए, GST लगेगा, तो वो आप सब कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले ये सेल। अब सबसे पहले आपने इन दोनों सेल्स को करना है मर्ज, और यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल अमाउंट। और कितनी अमाउंट होगी, यहाँ पे लगाएंगे सम का फॉर्मूला, और सम में हम इन सभी सेल्स को कर लेंगे सिलेक्ट एंड एंटर। तो ये हमारी अमाउंट जो है वो जनरेट हो गई है। बेसिक जो सेटिंग है, फॉन्ट साइज वगैरह, ये सब हम बाद में बढ़ा लेंगे। इतना कर लेने के बाद अब हमारा नेक्स्ट है, हमारे पास दो GST लगेंगे, SGST और CGST। अब हम यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे हमारा SGST का कॉलम और नीचे वाले में CGST, और ये है 9%। सेम आपका CGST, तो कैलकुलेशन भी साथ के साथ कर लेते हैं। तो पहले इन सभी को मैं सिलेक्ट करूंगी और फॉन्ट साइज हम बढ़ा लेते हैं इनका। चलिए अब मुझे यहाँ पे टोटल SGST निकालना है। जब भी आपका GST लगता है वो टोटल अमाउंट पे लगता है। तो यहाँ पे इक्वल टू 9% इंटू टोटल वैल्यू, तो इतना हमारा SGST लगेगा। सिमिलरली हमें CGST कैलकुलेट करना है 9% इंटू टोटल अमाउंट। तो देखिए ये सारी वैल्यूज हमारी आ चुकी हैं। आप यहाँ पे बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहाँ पे बॉर्डर दे दीजिए, तो देख सकते हैं। और आप इस तरह से जो कलर आप यहाँ पे देना चाहते हैं वो आप इसको दे सकते हैं। अब लास्ट में हमारे पास एक वैल्यू बची है, वो है ग्रैंड टोटल। क्योंकि ये देखिए, ये आपके जो प्रोडक्ट हैं उनकी अमाउंट आ गई है, ये SGST आ गया है, ये CGST आ गया है। अब हमें इन पूरे प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए कितनी अमाउंट हमें देनी होगी, तो उसके लिए हमारे पास होता है ग्रैंड टोटल। तो मैं सबसे पहले इन दोनों सेल्स को करूंगी मर्ज, मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रैंड टोटल, और इसको आप जो भी कलर देना चाहते हैं यहाँ से दे सकते हैं। चलिए और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सम फॉर्मूला, क्योंकि इन तीनों का हमें करना है टोटल। तो ये हमारी जो अमाउंट है ये कैलकुलेट हो गई है। अब हम इसको भी यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं, इन अमाउंट्स को भी हम एक कलर प्रोवाइड कर देते हैं। चलिए तो ये सारी सेटिंग हमारी हो चुकी है। अब देखिए इतना पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कोटेशन में, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, वो होती हैं टर्म्स एंड कंडीशंस।
कुछ हमारी टर्म्स एंड कंडीशन होगी जो कंपनी आपको बताएगी या शॉप आपको बताएगी कि जब भी आपने वहाँ से कुछ परचेजिंग करनी है तो उसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहने वाली हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशंस हम यहाँ पे आ जाते हैं। इन सेल्स को अब हम करेंगे मर्ज एंड सेंटर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगी टर्म्स एंड, तो मैं यहाँ पे अभी प्रेजेंटली दो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हूँ, तो इसको मैंने दोनों को सिलेक्ट किया। हम करेंगे मर्ज अक्रॉस क्योंकि हमें इस दोनों में टेक्स्ट लिखना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखूँगी। सबसे पहले लिखेंगे हम गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी रिटर्न्ड। फर्स्ट हमारा ये हो गया टर्म। सेकंड होगा नो क्रेडिट कार्ड विल बी एक्सेप्टेड। चलिए अब हमने यहाँ पे दो टर्म्स एंड कंडीशंस दे दी हैं। अगर इनका साइज़ बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से इनका साइज़ आप इंक्रीज कर लीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन देने के बाद अब लास्ट में आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर मैंडेटरी है। जो भी आपका ओनर होगा शॉप का वो आपको कोटेशन साइन करके देगा कि उसकी नॉलेज में है जितने भी ये सामान है। अगर आप परचेज करेंगे तो कितना आपको पे करना पड़ेगा, क्या GST लगेगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लेंगी, तो इनके लिए हम नीचे यहाँ पे सिग्नेचर का भी कॉलम जो है वो क्रिएट करेंगे। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर और हम सिलेक्ट कर लेते हैं इन तीनों सेल्स को। इनको कर लेते हैं मर्ज एंड सेंटर और यहाँ पे बना लेते हैं एक लाइन सिग्नेचर के लिए। और नीचे वाले सेल्स को भी हमने सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर किया। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। चलिए अब जो जनरल सेटिंग्स अगर आप कुछ करना चाहते हैं, जैसे इनको बोल्ड करना चाहते हैं, तो देखिए ये हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पे कोटेशन इनवॉइस जिसकी हेल्प से आपके कस्टमर को पता चल जाएगा कि इतनी आइटम्स अगर आप इस शॉप से परचेज करेंगे तो टोटल उसको कितनी अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ेगी। तो जब वो ये सारे प्रोडक्ट एक्चुअल में परचेज कर लेगा उसके बाद आप उसको बिल जो है वो जनरेट करके दोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ लर्न किया। अगर ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक एप्रिसिएशन का कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।